मुझे पूरा करना है। वक्ता को ये देखना चाहिए सुनने वाले पूरा सुन रहे कि नहीं। पानी कितना हमने दिया है, पानी कितना हमने दिया, विश्व सागरी आहार करने गए और पीयूष विदेश आहार देने पहुंच गया, दूध लेके दो लोटा दूध चला के आ गया और सबसे कहता मैं दो लोटा दूध पिला के आया हूं। बेटा दो लोटा तुमने अंजलि में तो ढारा है, पर ये पूछो उनके मुख में कितना गया है। तुमने इतनी जोर से ढारा कि पूरा नीचे बह गया, फिर वो ढारा बोल लो महाराज जी नीचे बह गया, पात्र नीचे का भर गया और पेट पात्र खाली का खाली रह गया। ऐसे हमारे सामने सागर जी ने इतनी जल्दी बोला, बोले हमारा आलेख पूरा हुआ है समय पर, लेकिन मैं ही कोशिश कर रहा था कि क्या बोल रहा भाई। इसलिए मेहनत आपने अच्छी की है, क्योंकि समीक्षा करा रहे ना आप, तो समीक्षा अच्छे समय कर रहा हूँ। अगली आगामी गोष्ठी में इतने इतने धीमे भी मत बोलना कि कल्प सूत्र में लिखा श्वेतांबर ग्रंथ है कि पीयूष सागर जी बेटा अच्छा बोलना नहीं जानता था, तो पिता ने कहा बेटे थोड़ा संभल के सुस्वर में बोला कर। ठीक है पिताजी, जो आज्ञा जो आज्ञा। हाँ, एक दिन घर में आग लग गई। वो पहुंचता है दुकान पर, पिताजी दुकान पर बैठे थे, प्रारंभ करता बोले गुरु पिताजी ने कहा था सुस्वर में बोलना, तो उसने शास्त्रीय संगीत शुरू किया। पिताजी 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 50 बार पिताजी पिताजी चिल्लाया, फिर घर में आग लग गई। बोले आग लग गई, ले क्या बोल रहा है। बोले आग लग गई। बोले इसमें इतनी देर लगाई तूने, इसमें तो घर जल गया होगा। बोले आपने ही तो कही थी सुसुर में बोलना। तो मेरे मित्र इसका तात्पर्य समझना चाहिए, आदमी को दूध सद्गुण होना चाहिए, समय सूचकता का बोध होना चाहिए साम्य सागर जी, नहीं तो कहो पिताजी पिताजी घर में आग लगी, घर जल गया। तो मतलब धीमे धीमे का मतलब ये भी नहीं है कि एक शब्द बोलने के उपरांत फिर रुक गए 5 मिनट। तो इनका विषय था शुद्धोपयोग, बहुत बढ़िया विषय था, जिसके ऊपर जिनको नहीं हो रहा वे लड़ रहे हैं, जिनको होना चाहिए वे सोच नहीं रहे। ओहो, जिनके पास समय है शुद्ध उपयोग के लिए, निरंतर दीक्षा लिप लिए है, क्योंकि जिस बात को सौम्य सागरी ने गाथा सूत्र में कहा था सुविध पैत सत्तु संयम विगत रागो समुणो शुद्ध को भरत शुद्धोत्ते, गाथा क्रमांक 14 प्रवचन सारजी में सुविध पैत सत्तो, जिसने सूत्रों को पदार्थों को अच्छी तरह से जान लिया है, संयम विगत रागो, ये मूल सूत्रों पर लोगों की दृष्टिपात नहीं है, शुद्ध उपयोग की परिभाषा बना रहे कुंद कुंद स्वामी, संयम विगत रागो, जो संयमी है और जिसका राग बीत चुका है, शमरो ऐसा कौन, श्रवण सभ्य श्रवण नहीं, जिसका राग बीत गया है इतना कैसा, सम सुख दुखो निश्चय पाटनी। श्लोक क्रमांक 14 बोलिए बेटा, स्वरूप संबोधन, ये कुलदीप पाटनी को मुझे दिखाना था, ज्ञानी कैसे बना जाता है, जब तक तत्व का निर्णय श्लोक और गाथाओं पर वो दृढ़ता नहीं है, कहीं की बात कहीं कहना, मित्र ये तत्व का निर्णय नहीं है, ये गाथा सूत्र बच्चे ने बोला है, ज्ञाता दृष्टा है मेको हम, एक 14वीं गाथा प्रवचन सार और 14वीं कार का स्वरूप संबोधन,
ज्ञाता दृष्टा मिकू हूं। अब पीयूष सागरी, मैंने एक बीच में शब्द बोल दिया था कि जिनको हो नहीं रहा है बिन सदुपयोग के नाम पर संकलिष्टता भरत कर अशुभ उपयोग में जा रहे हैं, और जहां होने की योग्यता है बेश चौथे गुणिस्तान में सदुपयोग के खंडन में संकलिष्टता भरत करके बेचारे भटक रहे हैं। मित्र न कबड्डी खेल करके जो जीतने वाला उसका कायोग दृढ़ है, न जो मित्र कबड्डी को हारना वो दृढ़ है, कायोग तो उसका स्थिर है जो न कबड्डी खेल के पछाड़ता हो न कबड्डी खेल रहा हो, शांत खड़ा है, उसका नाम योग की निश्चलता है। यदि शुद्ध उपयोग की व्याख्या में जाती हो तो मित्र न खंडन में बुद्धि जाएगी न मंडन में बुद्धि जाएगी, बुद्धि स्वरूप में जाएगी तब शुद्ध उपयोग होगा। कैसा योगी का चित्त का शुद्ध उपयोग, सुनिए। ज्ञाता दृष्टा मेको हम, मैं तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, कारकांग नहीं ज्ञापकांग है, कर्ता नहीं ज्ञाता है, ज्ञाता था ज्ञाता है ज्ञाता रहेगा, प्रत्येक परमन द्रव्य का स्वाधीन है और प्रत्येक द्रव्य का परमन स्वाधीन है, इसे भी समझो। और इधर लक्ष्य नहीं गया तो मित्र विश्वास रखना संपूर्ण संयमी की समय सीमा विलीन हो जाएगी, पर आत्मरस का पान नहीं कर सकेगा। संयमी हूं संयमी हूं, इस शब्द को बोलने का त्याग का संयम नहीं आया, संयम का आनंद नहीं आ पाएगा। मैं श्रेष्ठ हूं श्रेष्ठ हूं, इस शब्द का त्याग नहीं होगा तब तक श्रेष्ठता का आनंद नहीं आ पाएगा। सुखे दुखे न छापरा, सुख दुख इनसे भी परे हूं। एक ज्ञाता दृष्टा मात्र सुख दुख से भिन्न जीवन जी रहा है, इंद्रिय सुख कर्माधीन इंद्रिय दुख कर्माधीन, अद्वैत पर लक्ष्य जाएगा, मैं इन सबसे भिन्न। निश्चय पाटनी कुलदीप पाटनी, पड़ोस में चाहे मिठाइयां खा रहे हो तो असर नहीं तुम्हारे ऊपर। प्रफुल्ल जी, पड़ोस में मित्र अर्थी रखी हुई है, असर नहीं। कैसे? महात्मा विश्व सागर जी सुख दुख में साम्यता का अभाव क्यों? तदेतन मूल हेतु पर जाइए आप, एक कार का नहीं सुनना है। बालक छात्र स्कूल गए, छात्र शाला गए हैं, महात्मा जी सागर जी एक बालक दौड़ के आता है, ओ नीली शर्ट वाला हाथी के पग तले मर गया। सुनना ध्यान से,
छात्र जोर से चीखता है कि नीली शर्ट वाला छात्र हाथी के पग तले मर गया। उसका नाम था सुकुमार। सुकुमार मर गया हाथी के पग तले। ये शब्द सुना पिता के कान में पड़ा, पिता मूर्छा खा के गिर गया। दूसरा छात्र दौड़ के आता है, सुकुमार मरा है लेकिन वह अफ्रीका का रहने वाला था। क्या सुकुमार मर गया? ये शब्द जैसे सुना अफ्रीका का रहने वाला था, जो मूर्छा खा के गिरा था, उठ के बैठ गया, मेरा बेटा नहीं मरा, मुस्कुरा गया। ठहरिए, सारे दुख अज्ञान के अधीन है, सारे दुख अज्ञान के अधीन है। मेरा बेटा नहीं ज्ञान होते ही मूर्छा दूर हो गई, न चंदन के छींटे मारे, न मित्र कोई हवा किए, पंखा किए, कुछ भी नहीं किया। वो आदमी खड़ा हो गया, विष्णु सांग जी, भैया दुख किस बात का था? अज्ञान का था। श्याप अज्ञान में ही असंयम रहता है, अज्ञान में ही अश्रद्धा रहता है, अज्ञान में ही अज्ञान रहता है। ज्ञान परम स्वभाव है, ज्ञान परम स्वभाव है। अज्ञान के कारण दुख है। विश्वास मानिए, आपको भ्रम क्लेश जो भी हो रहा है, भीतर का ज्ञान नहीं है बेटा पीयूष, इसलिए घर दिखता है, परिवार दिखता है, कुटुंब दिखता है, किसी को कोई अच्छी आपको दिखते, कोई आपको बुरी दिखते, एक क्या कारण है पवन? कुछ नहीं है, अज्ञान है। स्वीकार किया जाए, बोले मैंने सब सांस पढ़ लिए, ये अलग ज्ञान है। अन्यथा वेद पांडित्यम सास पांडित्य चान्यथा, अन्यथा आत्म पांडित्यम लोका क्लिष्ट चान्यथा। शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है, ग्रंथों का पांडित्य भिन्न है, वो आत्मा का पांडित्य भिन्न है। जो आत्मा के पांडित्य शून्य है उन्हें दुनिया में नाक छोड़ते दिखती है, जिसको आत्मा का पांडित्य है उसके पास समय नहीं है दुनिया को देखने का। बहुत शक्ति चाहिए, इसलिए सुविद पेत शुद्ध संयम विगत रागो शमन सुख दुखो हंस। अब विषय देश में चल रहा है चतुर्थ कुल स्थान में, होता कि नहीं? होता है, होता है, शुद्ध उपयोग होता है। कैसा होता है? हे मित्र, राम सगर भरत पांडवा दिया ग्रस्त अवस्थायाम शुद्ध उपयोग भावना भिन्नते। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को शुद्ध उपयोग के भावना होते हैं। वो भावना ही नहीं होगी तो चौथा गुणस्थान ही नहीं बनेगा। इसलिए जो भावना है, एक अनुभूति रूप भावना, एक अनुभव प्राप्ति की भावना, बराबर भावना। अगले प्रश्न है, थोड़ा और अंदर जाइए। कर्म शून्य आत्मा सम्यक प्राप्त हुआ है तो विशुद्धि होगी कि नहीं होगी? मिथ्यात गया है तज्जन्य सम्यक तो आचरण प्रकट होगा कि नहीं होगा?
सम्यक तो आचरण की अनुभूति लेता है, उसे यदि कोई शुद्ध उपयोग के नाम दे रहा है तो देले कोई टेंशन नहीं है। परंतु जो शुद्ध उपयोग अप्रमत्त गुण स्थान में होता है वो शुद्ध उपयोग चतुर्थ गुण स्थान में बिल्कुल भी नहीं होता। बराबर आइए, इसलिए अहो श्रवणों, आप में क्षमता योग्यता है, इसे महात्मा सौम्य जी कुंडलियां बिठाने से नहीं होगा, निज में अनित होने पर होगा। अगले वक्ता के रूप में हमारे महात्मा श्री पीयूष सागर जी महाराज, बराबर उनका विषय था आत्मा में चारित्र रूप का निश्चय। बहुत सारे प्रश्नों की आपने झड़ी लगा दी, कोई एक बार आ भी जाए तो तुम उसको ऐसे घेर के हो, ओह ऐसे मुझे लग रहा था। मित्र उनका आलेख था इतना सुंदर व्यवस्थित, ये मैं साम्य सागर से कह रहा था, इस तरीके से आपको बोलना था। तो मतलब आत्मा चार स्वरूप है, स्यात् आत्मा चार स्वरूप ही है तो फिर असंयम कहां होता है। आत्मा चार स्वरूप ही है तो कुचारित्र कहां होगा, आत्मा चारित्र भूति है अचारित्र कहां होगा। इसलिए आत्मा चारित्र रूप ही है। समझ ही नहीं रहे ये स्यात् कर रहे हैं, पीयूष सागर में आपकी बात कह रहा हूं। आत्मा चारित्र रूप है तो अद्वैत सागर जैसे लोग बोलेंगे असंयम कहां होगा, आत्मा चारित्र रूप ही है कुचारित्र कहां होगा अचारित्र कहां होगा। क्योंकि आत्मा चारित्र स्वभावी है इसलिए सब कुछ होंगे। क्यों चारित्र स्वभावी है इसलिए असंयम नाम का संयम है वहां, मिथ्यात गुणस्थान से अवर सम्य दृष्टि गुणस्थान तक असंयम नाम का संयम है मार्गण दृष्टि से, ठीक है। और देश चारित्र की अपेक्षा से एक देश चारित्र है, और कुलिंग धारण करने की दृष्टि से कुचारित्र है।